नो हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सवाल उठाया। सोहना में बजरंग दल नेता की हत्या के आरोपी आप नेता को भी लेकर उन्होंने निशाना साधा। 31 जुलाई को नू में मेवात में घटना घटती है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक ऑफिस बेरर, जावेद नाम बताया जा रहा है उनका, वो वहां पर एक भीड़ को उकसाया उन्होंने और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की गई, उसमें उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। जी, मैं बहुत हैरान हूँ ये जान करके। 6 लोगों की हत्या हुई नूह की घटना में। मुझे लगता है कि करीब सैकड़ों गाड़ियां जला दी गईं और कितने लोगों को चोट लगी है, कितने लोगों को परेशानियां हुई हैं, ये तो अलग, कितने घरों को उन लोगों ने तहस नहस किया। सवाल उठता है कि इस केस में भी आम आदमी पार्टी का एक नेता इन्वॉल्व है, जावेद नाम का एक नेता जो आम आदमी पार्टी का सीनियर नेता है, प्रदेश स्तर का नेता है, वो स्वयं घटना स्थल पे खड़े होकर के हत्या करा रहा है। और सेम ऐसे ही दिल्ली के दंगे में ताहिर हुसैन नाम के जो उस समय आम आदमी पार्टी का वो पार्षद था, वो भी दंगा करा रहा था और अंकित शर्मा की हत्या कराया और कई हत्याओं का आरोप है उसके ऊपर। सेम मोडस ऑपरेंडी नूह में। अब मैं हैरान इस बात से हूं कि सुखी शुरुआत में जब घटना घटी तो मुझे लगा कि भाई इस समय एक ऐसा देखा जा रहा है कि जहां हिंदू मुस्लिम ज्यादा है वहां इस तरह से कुछ अवांछनीय तत्व घटनाएं कर रहे हैं, नूह हत्याकांड बहुत बड़ा है। लेकिन अब ये जानकारी आने के बाद तो लगता है ये अवांछनीय तत्व का ही नहीं है सिर्फ मामला, ये साजिश के तहत जानबूझ करके घटना कराई गई है। एक पैटर्न है जो देश में देखेंगे, पैटर्न है। आप देखिए दोनों जगह, यहाँ भी देखेंगे दिल्ली दंगों में छत के ऊपर से सारे पत्थर फेंकने और वो बम बना करके रखने, और वैसे ही नूह में भी हुआ। 31